इसका जी आ रहा है। मैम जिसको आना मैम राइट राइट मारो मारो एक मिनट एक मिनट मैम मैम एक मिनट मैम रुक जा मैम इधर देखे नहीं मैम अरे यार देखा सर सोलो सर अरे याद करा हाथ आगे चेक 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 टेस्ट वन टू चेक चेक सेट हाँ जी रेडी अमित जी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो कह सकते हैं कि जो आपने आपकी तरफ से जो सपोर्ट है स्टोरी एंटरटेनमेंट का हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्री में लोग इस तरह से सामने नहीं आते हैं और उनका सपोर्ट नहीं मिलता स्टोरी आप आए हैं तो आप दरअसल अंजुम का जब मुझे फ़ोन आया कि सिनेस्तार ये करना चाह रहा है एक स्क्रीन राइटिंग कॉम्पिटिशन रखना चाह रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और यकीनन बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में कहानियां हैं जो कहना चाहते हैं मौका नहीं मिलता तो ये एक अच्छा तरीका है जिसमें कि देश भर से लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं और मुझे लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को भी इसकी सख्त ज़रूरत है हमें फ्रेश राइटर्स चाहिए अलग अलग ख्याल चाहिए लोगों के तो आई थिंक जूही मुझे और राजू जी को जब इनवाइट किया अंजुम जी ने तो हम तीनों को भी ये लगा कि ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए इसलिए हम लोग तीनों आगे आए हैं अंजुम जी के साथ उनका साथ देने और ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट है जिसमें कि लोगों को मौका मिलता है कि वो अपनी कहानियाँ लिख सकें बता सकें और इंडस्ट्री को एक नए राइटर्स मिल सकते हैं सो इट्स अ वंडरफुल एफर्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सपोर्ट दिस एफर्ट रिसेंटली कबीर खान एंड आल्सो सेड समथिंग लाइक दिस वेयर ही मेंशनड हाउ देयर इज अ डर्थ ऑफ ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स इन द इंडस्ट्री एंड हाउ परहैप्स द इंडस्ट्री डिडंट रियली नर्चर गुड राइटर्स व्हेयर डिड वी गो रॉन्ग इन दैट सेंस ओह आई डोंट नो If you go back into history, I don't know. Actually, even traditionally, a lot of production houses used to have writers' rooms and they used to have writers on their payrolls at one time. I remember my uncle telling me that, you know, a lot of production houses used to have a number of writers writing for them. But somewhere down the line, I don't know where that kind of fizzled out. I think money became more important than content, the content. As such. And people became, you know, comfortable that these kind of films are doing well. So let's just... You know, formula, what we call. क्योंकि 50s और 60s में तो अलग अलग कहानियाँ बनती थी वो 70s में 90s तक आते आते कहीं थोड़ा सा आउट से लेट 80s द चेंज स्टार्टेड फ्रॉम क्यूएसक्यूटी इट इज तो एक तो ये एंडेवर है टू इनकरेज पीपल टू कम आउट एंड राइट एंड वी शुड नॉट स्टॉप हियर इंडस्ट्री में हमें राइटर्स को एज प्रोड्यूसर्स वी शुड बी पेइंग देम मच मोर एंड सफिशिएंटली इनफ सो दैट अ पर्सन कैन यू नो लीड अ वंडरफुल कंफर्टेबल लाइफ जस्ट ऑन राइटिंग
जस्ट ऑन राइटिंग, कि लेखक होने के नाते मैं अच्छा कमाऊँ. और एक्चुअली हम जब फिल्म करते हैं, मैं क्यों फिल्म साइन करता हूँ? कहानी के बेसिस पे तो मैं फिल्म साइन करता हूँ जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है. तो एक्चुअली राइटर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई फील एस्पेक्ट. वहाँ से तो हर चीज़ शुरू होती है. द ओरिजिन इज़ द राइटर. राइटर अच्छी कहानी लिखता है तो हम सब जुड़ते हैं उसमें. सो इन दैट सेंस द राइटर इज़ एक्चुअली यू नो फंडामेंटल पर्सन इन दिस होल प्रोसेस. नो डाउट इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम बिकॉज द डायरेक्टर बिकम्स द नरेटर ऑफ द स्टोरी. बट द राइटर इज़ द वन हु ओरिजिनेट्स इट. एंड येस इट्स टीम वर्क. उसमें एक्टर्स भी आते हैं, टेक्नीशियंस भी आते हैं, लेकिन ये सारी शुरुआत जो है लेखक से होती है. तो उसको एक स्पेशल ओहदा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन फॉर अ राइटर शुड डेफिनेटली बी हायर इन द इंडस्ट्रीज व्हाट आई फील. एंड उस पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा भी की है अंजुम के साथ. एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मॉडल ऑल्सो फॉर दैट. ओके अभी सर, जैसे कि आपने कहा राइटर को एक प्रॉपर अमाउंट मिलना चाहिए, उतना ही ओहदा मिलना चाहिए. रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें राजू जी ने भी कहा कि ये सब और उसके अलावा रॉयल्टी भी मिलना चाहिए राइटर्स को. तो उसके ऊपर क्या कहना? बिल्कुल. एक्चुअली वो हर डील पे थोड़ा फ़र्क हो सकता है उसमें. सम राइटर्स मे वांट टू यू नो चार्ज अ हायर अमाउंट अप फ्रंट. सम चार्जर्स मे राइटर्स मे प्रिफर टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ रॉयल्टी. बट यकीनन अगर राइटर को रॉयल्टी चाहिए उसको 101% मिलनी चाहिए. समबडी विद एन इमेजिनेशन. कोई अलग कहानी, अलग सिनेरियो हमारे सामने आए, किरदार अच्छे लिखे गए हों, प्रेमाइस क्लियर हो, गोल क्लियर हो, और वो पूरी जर्नी जो है कहानी की वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग एंगेजिंग हो. दैट्स व्हाट वी लुक फॉर इन अ गुड स्क्रिप्ट आई गेस. प्लॉट पॉइंट्स. हाँ एक्चुअली द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस कॉम्पिटिशन इज के इसमें जब राइटर जो भी जीतेंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा. लेकिन वो जो उनका कॉपी राइट है उस कहानी पे, वो ना सिनिस्तान का है, ना हमारा है, ना किसी का है. वो उसी के पास रहेगा और वो जिसको चाहे देना चाहे वो दे सकता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स आई थिंक अबाउट दिस कॉम्पिटिशन. तो राइटर को पूरी फ्रीडम है और आज़ादी है कि उसको प्राइज तो मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कहानी अब किसी की हो गई है. कहानी उसी की है और वो जिसको चाहे दे सकता है. ऑलवेज द स्क्रिप्ट. ऑलवेज द स्क्रिप्ट. इन द बिगनिंग, वेरी वेरी बिगनिंग ऑफ माई करियर आफ्टर QSQT रिलीज्ड, आई वॉज लुकिंग एट ओनली द स्क्रिप्ट. देन आई लर्नड दैट आई हैव टू लुक एट द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर. Because if these three things are not in place, even a good script can go haywire. A good script needs a good director, and a good director needs a good producer who provides the team with the resources that the film needs. Otherwise, it won't be made properly, and to give it a good release. So for me, very early in my career, I learned that script, director, and producer, these three things are of prime importance to me. Well, you know, I would like to say that you know, I take full responsibility for Thugs not working with the audience. I think we went wrong. But I would like to take full responsibility for that. You can be sure that we tried our level best. हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए. कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में. ज़्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है. तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ. और जो ऑडियंस इतने एक्सपेक्टेशन से आई है मेरी फिल्म देखने के लिए, मैं उनको आई वांट टू अपोलोजाइज टू देम ऑल्सो कि इस दफ़ा मैं उनको वो एंटरटेन नहीं कर पाया
कोशिश हमने पूरी की थी, लेकिन जो लोग इतने एक्सपेक्टेशन से आए उनको मज़ा नहीं आया. तो आई एम फीलिंग वेरी बैड दैट वी वर नॉट एबल टू एंटरटेन देम. एक्चुअली मैं अगली फिल्म क्या कर रहा हूँ वो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है. जैसे ही मैं डिसाइड करूँगा मैं बताऊँगा आपको. जब भी फिल्म फ्लॉप होती है तो एक एक्टर के लिए बहुत आसान होता है उससे कोप अप करना. तो किस तरह से आपने कोप अप किया जो ठग्स ऑफ मिस्टर जब वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. वही कोशिश करने की. सॉरी हाँ समझ में आता है यार ये सारी चीज़ें मैं आई एम नॉट कम्फर्टेबल कि मैं पब्लिकली बोलूँ क्योंकि मैं अपनी फिल्मों के बहुत नज़दीक होता हूँ और जैसे हमारे लिए बच्चा होता है ना वैसे मेरी फिल्में होती हैं. तो वो नाकामयाब भी होना वो मेरे ही हैं, मेरे ही बच्चे हैं. Well, I think that an audience is free to, you know, say what they want to say about a film. They are free to say what they want to say about the film. What I can say is that we certainly tried our level best. And I'm feeling very bad that we didn't succeed in entertaining the audience. Next time we'll try harder. Was that with Thugs you are concentrating on, the, I mean, you're focusing on the Chinese market now, is that true? The China release will be happening next month. So certainly, let's hope and see what happens there. Amit, what do you think, what went wrong? Like people are saying direction was not nice. Again, I won't want to discuss that publicly. Amit ji, because बच्चों के ऊपर हम देखते हैं कि present time में फिल्में बहुत ही कम बन रही हैं. जी. आपकी एक फिल्म ऐसी तारे जमीन पर लोगों ने बहुत ही appreciate की. जी जी. आज हमने एक picture देखी आप हैं आजाद. हाँ आजाद की बर्थडे थी और वो एक्चुअली एस्ट्रिक्स के बहुत बड़े फैन हैं. तो हम लोग ने उनके कुछ दोस्त आज़ाद के 8-10 दोस्त और उनके पेरेंट्स हम लोग सब पंचगिनी गए थे. तो वो इट वाज एन ऑब्लिक्स एंड एस्ट्रिक्स पार्टी. तो मैं ऑफ कोर्स ऑब्लिक्स बना एंड आज़ाद वाज एस्ट्रिक्स. डिड यू सी द फोटो? एंड किरण वाज गेट अ फिक्स द ड्रूड. और वो बकायदा पूरा वो मैजिक पोशन भी बनाया गया और लाइन में जैसे खड़े होते हैं और मुझे रिफ्यूज़ किया गया. नो यू कैन नॉट गेट मैजिक पोशन. सो द फर्स्ट थिंग बच्चों के ऊपर हम और भी फिल्में देखेंगे जैसे तारे जमीन पे देखे. जी जी. वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने भी देखा लोगों ने अप्रिशिएट. जी आपकी तरफ से स्टोरी की बात नहीं यकीनन बच्चों एक्चुअली बच्चों के लिए हमको और ज़्यादा फिल्में बनानी चाहिए. मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में हम लोग कम फिल्में बनाते हैं बच्चों के लिए, लिहाजा बच्चे बहुत सारी फिल्में देखते हैं. बट आई विश वी मेड मोर फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन. यू एब्सोल्युटली राइट. यू एब्सोल्युटली राइट. वेयर डू यू फाइंड योर इंस्पिरेशन फॉर व्हेन राइटिंग अ स्टोरी? हु इज आस्किंग मी? नो इंस्पिरेशन इज व्हाट मूव्स यू profoundly and which raises questions in your mind. So it's either comes from reality or it comes from imagination. Reality could mean that you've been through the experience, somebody told you about it, or there was a memory which kicked in. Imagination is of course when you keep asking yourself what if, etc. And that if that question really stays with you and refuses to leave you, then the whole script process is to pursue that question, is to try seeking answers.